बुजुर्ग उत्सव भाग दो में बुजुर्ग ने दिखाया अपना दबा हुआ हुनर। जी हां, आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने आयोजित किया बुजुर्ग उत्सव भाग दो। मस्ती विद फ्रूट चाट की थीम पर मनाया गया बुजुर्गों के साथ नौ वर्ष का उत्सव। लखनऊ राजधानी की सक्रिय संस्था आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने बुजुर्ग उत्सव भाग दो का आयोजन सिरोजनी नगर स्थित सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्था के वृद्धाश्रम में किया। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने जमकर इस आयोजन का आनंद लिया। आयोजन में वृद्धाश्रम में अपने घर से कोसों दूर रह रहे बुजुर्गों के लिए गेम्स, गीत, संगीत, कॉमेडी से भरपूर कार्यक्रमों का समावेश किया गया। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्रूट चाट का नाश्ता दिया गया, जिसमें सेब, केला, अंगूर, पपीता इत्यादि आइटम दिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता राज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मैम, आपका नाम क्या है और ये किस तरीके का कार्यक्रम जो है आज आप लोगों ने किया है? मेरा नाम अर्चना सिंह है और आशा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वृद्धाश्रम में, और पहले भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और पहले हम लोग आए थे यहाँ पर और खाने का वितरण किए थे हम लोग, मनोरंजन का कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर न्यू ईयर मनाने आए हैं वृद्धाश्रम में। यहाँ बुजुर्गों साथ आना बहुत अच्छा लगता है मनाना, और आज फलों का वितरण हुआ है, मिठाइयों का, संगीत गाने का हुआ है, और यहाँ बुजुर्ग हम लोग खुश देख करके बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग आते हैं तो यहाँ बुजुर्ग बहुत खुश होते हैं हम लोग को देख करके, और उनके साथ साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा हम लोग लगता है। मैम, अपना नाम बताएं और किस तरीके का क्या प्रोग्राम था और ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा है और मैं आशा वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव हूँ, और आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी शुरुआत यही बुजुर्गों के इस आश्रम से ही आशीर्वाद से करी थी। आज हम लोग यहाँ पर फिर से उनके बीच में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं। उनकी सेहत को ध्यान में रख के हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट चाट का भी व्यवस्था करी है, साथ में मिठाई की भी व्यवस्था करी है, नाच गाना बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे डांस और वो सब करके हम लोगों ने बुजुर्गों का मनोरंजन करा है। हर साल नए वर्ष में हम लोग कोशिश हम लोग की रहेगी कि हम इसी आश्रम में आकर उन लोगों के साथ ही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाएं।